और मिस्कीन क्या है कि मिस्कीन ये है कि मिस्कीन इसको कहेंगे, मिस्कीन हम किसको समझते, क्या है मिस्कीन, हम फकीर और मिस्कीन सबको एक ही कर लेते हैं अल्लाह ने, जबकि कुरान में अलग अलग फरमाया दोनों के ताल्लुक से, कई जगह पर फरमाया कि मिस्कीन है और ये फकीर अलग अलग है। तो मिस्कीन वो है कि जिसकी ज़िंदगी ठहर गई हो, घर में सब कुछ है, घर में सब चीज़ें उसके पास में, कि घर में उसके पर रहने के लिए है, खाने के लिए है, घर में चीज़ें भी हैं जो सहूलत की है, पलंग है, बेड है, सब सहूलत की चीज़ें, लेकिन ज़िंदगी ठहर गई, बढ़ नहीं पा रहा, वहाँ से फंस गया वहाँ पर, उससे कुछ नहीं कर रहा, जितना कमा रहा है सब मेंटेनेंस के अंदर, बिलों के अंदर, घर के अंदर, खर्चे के अंदर, खाने में ख़त्म हो रहा, ज़िंदगी की आगे नहीं बढ़ रही, तरक्की नहीं कर पा रहा। तो ऐसे आदमी की तुम मदद करो, क्योंकि वो सिर्फ इसी जद्दोजहद में लगा हुआ 24 घंटे के, मुझे बिल, बिजली का बिल भरना है, मकान का किराया देना है, और मुझे जो है खाने का बंदोबस्त करना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो उसके अंदर जमूद आ गया, ठहर गया हूँ, तो अब तुम उसकी मदद करो ताकि इससे वो निकले, तब फिर वो अल्लाह की तरफ आए। नहीं तो 24 घंटे तो वो जरूरत के अंदर लगा हुआ है, बीवी के, बच्चों के, घर के मेंटेनेंस के अंदर, फिर हम उससे कहें कि भाई नमाज को क्यों नहीं आ रहा, तो कहेगा कहाँ से आऊँ मैं तो दिन में तो 8 घंटे फैक्ट्री पर जा रहा हूँ, फिर शाम को जाके मैं दूसरी की दुकान पर, वहाँ पर बैठता हूँ, फिर रात को मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, तीन तो काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे को तो इससे भी मेरा पूरा नहीं पड़ रहा। तो उसको भी दो तुम, ताकि इसकी ज़िंदगी जो ठहर गई है ना, तुम इसको कुछ सहूलत दोगे तो ये किसी चीज़ को, काम को कम करेगा, फिर अल्लाह की तरफ आएगा, इबादत की तरफ आएगा। तो ये बुलाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको निज़ाम कायम करना पड़ेगा, सिर्फ बुलाएं उसको, आ जाए, उसके पास कहाँ टाइम है, मजदूर है, थका मांदा हो गया, उससे कह रहे हो ईशा की नमाज़ पढ़ो, कैसे करेगा। तो उसके लिए भी आप दो, उनकी भी मदद करो, मिस्कीनों की मदद करो। तो जिस ये मिस्कीन है, और इसी तरह जो है यतीम, तो यतीम, अब यतीम सिर्फ वही नहीं कि जिसका बाप मर गया हो, हम यतीम उसको कहते हैं, वो यतीम है कि उसके ऊपर कोई सहारा ना बचा, यतीम उसको कहा जाता है जिसके पास कोई सहारा ना हो, बेसहारा। अब एक आदमी बूढ़ा हो 80 साल का, लेकिन उसके समाज में कोई नहीं, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई नहीं अड़ोस, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, अकेला है, सहारा नहीं किसी का, वो भी यतीम है, वो माशरती यतीम हो गया। तो उसकी भी तुम मदद करो, और उस यतीम की भी मदद करो जो भली मालदार है, लेकिन उसकी कोई पैसा उसका खा ना जाए, तो उसकी तुम हिफाजत करो। उसके लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरह निसा में वो सारी चीज़ें बताई कि उनको तुमको कैसे ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद में ये सब कर लिया, ये सारी नेकी अल्लाह ने बता दी, ये सारी नेकी है, फिर फरमाया कि फिर नमाज, ये सब करने के बाद अब तुम सलात कायम करो, यह है सलात। और हम स्टार्टिंग सलात से कर रहे हैं, अल्लाह ने इसीलिए यहाँ पर फरमाया, बहुत बड़ी आयत है कि अभी ये सलात है, इसके सब के बाद में फिर सलात कायम करो, तो फिर ये सलात है, और फिर उसमें कर रहे हो, लेकिन तुमने ये सब नहीं, माउन में फरमाया कि अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबुद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यौज़ु अला तामिल मिस्किन, कि ये लोग जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन यतीम का हक नहीं दे रहे, लेकिन धक्के खा रहे हैं रोड पर, और ये उनके लिए कोई निज़ाम कायम नहीं कर रहे, तो ये फिर इनके नमाज़ दिखावा है, ये दिखावे की नमाज़ पढ़ रहे, कैसी नमाज है फिर इनकी है? तो वहाँ भी फरमाया तो फिर ये दिखावे की नमाज़ है। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कि ये नमाज़ पढ़ो, ये सब करने के बाद तो फिर नमाज है, फिर ज़कात, फिर ज़कात दो। अब ये ऊपर इतना सारा हम देखे आए, ये क्या था, फिर ज़कात को वापस अल्लाह ने नीचे ले गया, वापस आ गई। ये ज़कात क्या है कि ये वो है कि ये तो फ़र्ज है, ये देना है, जहाँ अल्लाह ने बताया 8 मद के अंदर इसको खर्च करना है, लेकिन उसके अलावा ये सारी चीज़ें क्या करना है, तुमको निज़ाम भी कायम करना है, और ये सारी चीज़ें करना है, और ये तो फ़र्ज है, देना ही देना है, ये तो फिर गुनहगार, लेकिन नेकी के लिए सारी चीज़ें तुमको ये करनी पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा।